हेलो दोस्तों, आज हम एक इंडक्शन कुकटॉप का अनबॉक्सिंग करते हैं जिसका नाम है श्री सूर्या, जो कि सूर्या कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। इसका जो मॉडल है वो B90 है, मल्टी फंक्शन इंडक्शन कुकटॉप। इसमें चार इसके पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला है 8-डिजिट डिस्प्ले, जिसमें कि जो कुछ भी है वो डिजिट के द्वारा डिस्प्ले करता रहेगा। जो दूसरा है वो है टाइम कंट्रोल फंक्शन, इसमें समय के साथ आप जो है खाने को जो भी आइटम है उसको बनाने के लिए डिस्प्ले कर सकते हैं। नौवां है, तीसरा है 9 लेवल टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है 9 तरीके से कंट्रोल किए जा सकते हैं। और चौथा इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है फैशनेबल डिजाइन, डिजाइन इसका बहुत ही शानदार है। तो चलिए इसको हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा देखें कि और क्या क्या चीज़ इस पर लिखा गया है। तो ये तो मॉडल तो साफ साफ दिख रहा है, इसके अलावा देखिए और क्या क्या है। तो मॉडल में B90 ये 220 वोल्ट 950 हर्ट्ज़ जो कि इंडिया के लिए सूटेबल है। इनपुट पावर जो है वो 2000 वाट है। पैकेजिंग अच्छा दिख रहा है, उसका डायमेंशन दिया गया है। और ये जो है वो बटन कंट्रोल ही इसमें जो बटन वाला लेवल में बनाया गया है, बाकी सब जो है 9 लेवल ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ये सब कुछ है। तो चलिए इसको अब हम लोग ओपन करते हैं। काफ़ी अच्छा बॉक्सिंग है, तो यहाँ से पहले ओपन कर लेते हैं एक दूसरा, उसके बाद ऐसे फ्लिप। पैकेजिंग तो अच्छा खासा दिख रहा है। ये हम लोग का जो है वो मेन इसका यूनिट है। तो इस यूनिट को ये थर्मोकॉल लगा करके सेफ्टी वर्क किया गया है। इसको हटाते हैं, पैकेजिंग सबसे पहले पॉलिथीन हटाए, ये सब कुछ किए। तो ये कॉर्ड थोड़ा सा इसमें छोटा दे दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसकी जो प्राइस है वो मुझे लगभग 3500 के। अच्छा फिनिशिंग है, स्मूथ है, इसमें सब कुछ दिया है। 9001 सर्टिफाइड कंपनी के द्वारा है, 100% सर्टिफिकेशन है। तो सब कुछ ये टेस्टेड वेरीफाइड है। ये सब बटन्स इसके दिए गए हैं, डिफरेंट मोड्स है जिसको कि हम लोग आगे जो प्रयोग करेंगे तो इसमें देखेंगे कि आखिर ये कैसे किस तरीके से काम करता है। इसमें मिल्क है, वाटर है, सूप है, राइस है, ऑल कुकिंग मोड भी एक दिया है। तो ये सबको हम लोग जो है डिफरेंट आगे हम लोग करके देखेंगे कैसे होता है। इस पर देखिए ऊपर में मॉडल नंबर B90 साफ साफ दिख रहा है। ये ऑन ऑफ स्विच है जिसके द्वारा हम लोग जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो ऑन ऑफ। और ये डिस्प्ले, और उसके बाद में ये पावर अप और ये डाउन, मतलब कि आप टेम्परेचर बढ़ा घटा सकते हैं इन दोनों की मदद से। तो अप से बढ़ेगा, डाउन से घटेगा। तो इसके लिए बाकी के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा किचन में। चलिए ये है हमारा किचन, और ये किचन में मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। और इसको कॉर्ड को हम लोग इंसर्ट करते हैं, सबसे पहले प्लग में लगा दिए। प्लग में लगाने के बाद अब हम लोग इस पर टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग के लिए सामान रखते हैं, तो उसका भी जिसमें देखिए जैसे पावर ऑन किए तो इसमें कुछ आया था, डिस्प्ले किया, फिर उसके बाद ये डॉट 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 दिखने, जो कि यह बता दिया कि अब इसको जैसे ही ऑन करते हैं तो देखिए कुछ होगा। ऑन किए तो 1300 जो कि ऑल कुकिंग मोड है उसका लोएस्ट लेवल दिखाता है, और ये E0 शो करना है। इसका मतलब है कि इस पे कुछ भी कोई बर्तन नहीं रखा गया है। तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा चाय बनाकर टेस्टिंग करते हैं। तो चाय के लिए सबसे पहले एक बर्तन लेंगे। बर्तन हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि प्योर स्टील हो, या फिर कोई भी इंडक्शन फ्रेंडली बर्तन हो, जिसमें कि आजकल उसका पहचानने का एक तरीका है कि वह स्टील हो या फिर डॉटेड उसमें लगे रहते हैं पीछे लोहे के। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा चाय बनाने के लिए दूध डाल देते हैं। तो दो आदमियों के लिए ये 1 गिलास दूध एनफ है। और फिर इसमें जब चाय बनाना है तो चाय पत्ती तो डालना ही पड़ेगा। तो चलिए अब इसमें हम लोग करते क्या है कि थोड़ा सा पानी पहले ले लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और फिर अब हम लोग चाय पत्ती डालते हैं। चाय पत्ती तो मुझे तो अच्छा चाय बनाना आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा चाय बना के आज देखते हैं कि कैसा बनता है, कितने समय में बनता है। तो चाय पत्ती मैंने डाल दिया, और चीनी की थोड़ी सी मात्रा डाल दी जाए, क्योंकि बिना चीनी के चाय पत्ती उतना अच्छा नहीं लगे, चाय उतना अच्छा लगेगा नहीं। तो हल्का सा चीनी डाल दिए। ये देखिए ब्लिंक कर रहा है बार बार, मतलब कि ये रेडी है, स्टैंड बाई मोड में ये शो कर रहा है कि जो सिस्टम है हम लोग का स्टैंड बाई मोड में है। तो अब हम इसको ऑन करेंगे, और ये ऑन करते ही ये 1300 पे शो हो गया। तो हम लोग चूँकि बना टेस्टिंग करना है तो सबसे पहले पूरा फुल मोड पे कर देंगे। तो ये 2000 वोल्ट पे, ये 2000 वाटेज पे ये शो करने लगा। और अभी जो है वो 450 हो रहे थे ये वीडियो को,
इतने मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये कितने में ये जो है कि बन जाता है। इसमें देखिए रंगत आनी शुरू हो गई और अभी जो है कि करीब 10-15 सेकेंड हुआ है और ये काफ़ी तेज़ी से ये हीटिंग होता है इसमें। ये देखिए ये हिलने भी लगा है और 518 आते आते तक ये थोड़ा लग रहा है जैसे कि उबलना भी शुरू हो गया है। और ये अब ये उबलना शुरू हो गया है 527, और ये उबलना शुरू हो गया है। मैं इसको जल्दी से कम कर दे रहा हूँ, नहीं अन्यथा क्या हो जाएगा कि ये बाहर गिर जाएगा बर्तन से। तो ये हमारा 40 तक ये जो है हम लोग का जो चाय है वो तैयार हो गया। यानी कि लगभग 40 सेकेंड्स में दो लोगों के लिए चाय बनाना बहुत ही आसान बात है इसमें, और ये अच्छे से चाय को बना देता है। थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि बाहर ना गिरे। इसको 1300 पे मैंने कर सेट कर दिया, पहले 2000 पे किया था। तो ये देखिए रंगत इसकी कितनी अच्छी आ गई है चाय की। तो हम लोग इसको रोक देंगे और यहाँ पर अब हम लोग जो है चाय को स्टॉप करते हैं और चाय को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा चाय जो है कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। आइए अब हम लोग करते क्या है कि इसके डिफरेंट मोड्स को देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ऑन कर लेते हैं और जो ये हम लोग का जो मोड है वो स्टार्ट हो गया, डॉटेड हो गया। इसके बाद ऑन किए, ऑन जैसे किए तो फिर ये 1300 यानी कि ऑल कुकिंग मोड पे चला गया ऑटोमेटिक। इसमें जो डिफरेंट मोड्स हैं उसको हम लोग इसको घटा बढ़ा सकते हैं चाहे तो ऑल कुकिंग मोड को। ये फ्राई मोड है जिसपे कि किसी भी चीज़ को हम लोग फ्राई कर सकते हैं, जिसका कि कंपनी के द्वारा रिकमेंडेड है 240। तो इसको चाहे तो हम लोग बढ़ा घटा भी सकते हैं यदि हमें ज़रूरत पड़े तो, अन्यथा वो 240 कुक है। इसके अलावा ये डोसा के लिए जो है ये 220 है, इसको भी चाहिए तो थोड़ा घटा बढ़ाया जा सकता है क्योंकि ये सब जो आप ही बनते देखे होंगे तो घटाया बढ़ा सकता है। लेकिन देखिए मिल्क जो है वो 80 पर ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कहा है कि इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो उबल कर गिरने लगेगा। फिर ये है वाटर, वाटर के लिए मैक्सिमम चाहिए। फिर अब उसके बाद स्टीम, स्टीम जो है कि वो, उसके बाद ये है राइस, राइस जो है कि 1300 है, ये थोड़ा सा घट बढ़ सकता है लेकिन ऑल कुकिंग मोड जो है वो घटेगा बढ़ेगा। और इसके बाद सूप जो है ये ना घटेगा ना बढ़ेगा, अर्थात तो उसी मोड पे जो है वो फिक्स रहेगा। तो केवल फ्राई और डोसा ये दो जो है वो टेम्परेचर बढ़ सकते हैं घट सकते हैं जितना हम लोग की ज़रूरत है, और ऑल कुकिंग मोड जो है उस पर। बाकी सभी जो है कंपनी के द्वारा फिक्स हैं। देखिए कितनी तेजी से इसमें उबाल आ रहा है पानी में। तो इस तरीके से जो है कि हम लोग अपने कोई भी चीज़ बना सकते हैं इसमें बहुत ही जल्दी से कम खर्च में। अगर समय कम है तो फिर बहुत तेज़ी से इसमें काम किया जा सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप भी अपने घर एक प्यारा सा इंडक्शन कुकटॉप ले आइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।